नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की बात की जाए तो पीलीभीत जिले में बीसलपुर का हमेशा दबदबा रहता है। कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटरों का भी परीक्षाओं में विशेष योगदान रहता है। आज हम एक ऐसे कोचिंग सेंटर में मौजूद है जहाँ से 2019 से आज 2024 तक लगातार जिले में टॉप करने वाले विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, कौन सी कोचिंग सेंटर आपकी चलती है? आदित्य कोचिंग सेंटर। आदित्य कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो जिले में लगातार कहना है बच्चों का कि आपके कोचिंग सेंटर का नाम, अमन से हमने बात की, उसने भी आपकी कोचिंग सेंटर का नाम लिया और आप बड़ी मेहनत की बात की है। आप अभी हमारी बात आदित्य से हो रही थी, वो आपके बेटे ही हैं, वो भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। किस तरह से कोचिंग सेंटर चलता है और यहाँ पर किस तरह से बच्चे टॉप कर रहे हैं? सर, इसका सिरे तो जैसे टीचर का रहता ही रहता है, मगर इसके साथ में बच्चे में भी वो उत्साह होना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक रहता है, हम कक्षा 8 से शुरू करते हैं और कक्षा 8 में हम 2 महीने पढ़ाने के बाद में देख लेते हैं कि कौन बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो हम उसे अपनी तरफ से 9th में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसे एडवांस पढ़ाते हैं। जब बच्चा वो हाई स्कूल में आता है तब तक हम उसे 2-3 बार हाई स्कूल का पढ़ा देते हैं, तो इसलिए बच्चा स्वयं अपने आप इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो स्वयं टॉप बन जाता है। बात की जाए 2019 से 2024 तक की, एक लंबा सफर रहा है, इस सफर में कौन कौन बच्चे आपकी कोचिंग से निकले हैं, उनके नाम और सन की बात बता दें। सर, मैंने जो है 2019 में ही स्टार्ट किया था। अब पहली बार स्टार्टिंग में मुझे मात्र 2 बच्चे मिले थे, एक अंकुर गंगवार, एक सुरजीत गंगवार। तो अंकुर गंगवार और सुरजीत गंगवार 2 बच्चों को मैंने पूरे साल पढ़ाया। अंकुर गंगवार ने उस समय जो है 2019 में 93% अंक हासिल करके यूपी वो जिला में पहला नंबर प्राप्त किया हाई स्कूल में। और सरबजीत जो है उसी 2019 में, सरबजीत ने गणित में सबसे अधिक अंक 98 अंक प्राप्त करे। उस समय सिलेबस भी चेंज था, नया नया सिलेबस आया था NCERT, तो इस उस समय बच्चों को 90 अंक आना जो है मुश्किल पड़ रहे थे। इसके बाद में 2020 में सरबजीत के भाई शिवम गंगवार, उन्होंने 94.6 अंक प्राप्त करके जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उस साल मेरे पास हाई स्कूल में 15 छात्र थे, शिवम गंगवार के साथ में हमने 7 छात्र टॉप 10 बनाए बीसलपुर से। इसके बाद में 2021 में कोरोना काल था, बच्चे प्रमोट हो गए। 2022 में अनुज गंगवार, उसमें मेरा बेटा भी था आदित्य गंगवार, उसके साथ में 8 बच्चे टॉप 10 पे निकले। उस साल मेरे पास बच्चों की संख्या 35 थी हाई स्कूल में। इसके बाद में 2023 में अर्पित गंगवार, उन्होंने अर्पित गंगवार के 97.67 रहे, यूपी में उनका 4th स्थान था अर्पित गंगवार का, हाँ हाई स्कूल में, और गणित में 100 नंबर थे। 2024 की बात की जाए तो अमन गंगवार, इनका यूपी में इनकी 7वीं रैंक है और इन्हें गणित और विज्ञान में 100 अंक प्राप्त। और आदित्य तो आपके बेटे हैं इनका जी। इसके बाद में पिछली साल से मैंने इंटर का शुरू किया, पिछली साल से, तो इंटर में बच्चे कोचिंग जाते थे, मगर मैंने इन्हें जो भी 8-10 बच्चे थे मेरे पास, तो मैंने इन्हें सब विषयों की तैयारी कराई केवल अपने बेटे की खातर, कि हमारा बेटा पीछे ना रह जाए। तो हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेना और गणित में पूरा टॉप 10 मैंने कराया, तो जिससे इनके अच्छे अंक आए जितने भी बच्चे यहाँ थे। हमारे साथ मौजूद थे कोचिंग संस्थान के टीचर, जिन्होंने बताया किस तरह से विद्यालय में लगातार जो बच्चे हैं वो टॉप 10 की सूची में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में लगातार उनकी कोचिंग के छात्र एवं छात्राओं का दबदबा रहा है, जिले में टॉप 10 की सूची में उनकी कोचिंग के छात्र आए। उन्होंने बताया कि वो पहले से ही इतनी तैयारी कराते हैं जिससे कहीं ना कहीं बच्चे आगे चलकर जिले सहित उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।